स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल, जिसका फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये आया था। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ एंड सिंगल चार्ज। एक डाइपोल के कारण जो आपका पोटेंशियल है उसमें और एक सिंगल चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आया था उसमें डिफरेंस क्या है। तो थोड़ा रिमाइंड कीजिए कि सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आया था, और इसके कारण जो आया था वो आपके सामने लिखा हुआ है। तो इनके डिफरेंसेस को हम पढ़ लेते हैं। तो पहला डिफरेंस आप देखिए, पहला डिफरेंस था ड्यू टू सिंगल चार्ज पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली एंड ओनली द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट। केवल और केवल ऑब्जर्वेशन पॉइंट के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था, डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं था। लेकिन यहाँ पे अभी अभी जो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, यहाँ पर क्या आया है, V is depends upon cos theta by r square। It means यहाँ पे आपका एंगल और ऑब्जर्वेशन पॉइंट दोनों पे डिपेंड करता है। दूसरा डिफरेंस देखिए, दूसरा डिफरेंस अगर हम बात करें सिंगल चार्ज के कारण जो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, V is falls off as 1/r, but due to dipole it is falls off as 1/r². ये कैसे आपका डिक्रीज होता है डिस्टेंस के साथ, 1/r², ये कैसे डिक्रीज हो रहा है, 1/r। थर्ड एंड लास्ट जो डिफरेंस है इनके बीच में वो आपका क्या है, इसमें मैंने बताया था आपको कि सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्फेरिकल सिमेट्रिक होता है। इट मींस ये डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता है, लेकिन एक डाइपोल के कारण ये जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक होता है। कैसा होता है, सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक। तो वो क्या होता है सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक, तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये डाइपोल था और ये पॉइंट था आपका P, और ये इस सेंटर पे से इसका जो डिस्टेंस था वो मैं R लेके चल रहा हूं। तो अगर ये एंगल आपका थीटा हो तो क्या करता हूं मैं, इस P पॉइंट को इसके एक्सिस के अलोंग रोटेट करता हूं, डाइपोल के एक्सिस के अलोंग क्या करता हूं, रोटेट। तो ये मार्कर को मैं अगर मैं डाइपोल मान लूं और ये जो मेरी उंगली है इसकी टिप के ऊपर क्या रखता हूं, इस पॉइंट P, यानी इस टिप के ऊपर मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल, इस डाइपोल के कारण। तो अगर मैं इस उंगली को इसके ऐसे ऐसे रोटेट करूं तो क्या ये R की वैल्यू बदली, नहीं बदली। और मैं कह रहा हूं कि थीटा को रखना है कॉन्स्टेंट, थीटा बदलना नहीं है आपको, इसी पोजिशन पे केवल और केवल ऐसे ऐसे इसको रोटेट करके लेके आना है। तो यहाँ पे आपका इस तरह से रोटेट करके जो रिजल्ट निकल के आ रहा है वो आपका क्या कह रहा है कि एक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक होता है। तो इसी के आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको खुद करने की कोशिश करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम रहे तो उसको आप डिस्कस कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू मी अगर आपने ये वीडियोस अच्छे से पढ़े हैं और इससे पहले वाला चैप्टर आपने किया है तो उनमें कुछ अलग से करना नहीं है। हम सिंगल पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे उसको V1 मान लेंगे, फिर दूसरे के कारण निकालेंगे उसको V2 मान लेंगे, ऐसे सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण n नंबर ऑफ चार्जेस के कारण निकालेंगे और उसका एलजेब्रिक सम कर देंगे।
ऐसे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में केवल और केवल आपको चार्ज की जगह पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो का यूज करके आपको दिखाना है। तो अपने आप ये आपको कोशिश करनी है इनके करने की, बुक की हेल्प लीजिए और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं।